हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम पार्टनरशिप में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब समझते हैं ये क्या है और क्यों बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। हमने 11th में जो अकाउंटिंग देखी है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग देखी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, केवल एक ही ओनर होता है। तो जब एक ही ओनर होता है तो कैपिटल अकाउंट भी एक ही होता है। ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट होता है वो सीधे सीधे उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। मगर यहाँ पे ओनर एक नहीं है, एक से ज्यादा ओनर है। तो वैसे ही क्या होगा, जो कैपिटल अकाउंट है वो भी एक से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। एक कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, एक से ज्यादा कैपिटल अकाउंट बनेंगे। तो कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाने हैं वो हमको देखना है। एक दूसरा हमको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉफिट होता था वो सीधा सीधा जो ओनर है उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते थे, कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाता था। मगर यहाँ पे ओनर एक नहीं है, ओनर एक से ज्यादा है। तो उस प्रॉफिट का बंटवारा होता है, और प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होता है वो डिपेंड करता है कि उनकी पार्टनरशिप डीड में उन्होंने क्या तय किया है। ठीक है, तो जैसा भी पार्टनरशिप डीड में तय होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होगा, प्रॉफिट का बंटवारा होगा। और वो सब करने के लिए हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट हमने कभी भी सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं देखा था, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता है। तो प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए स्पेशली हम एक अकाउंट बना रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। अब जब मैं बात कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं। एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझते हैं कि ये दो मेथड हम क्यों बना रहे हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। तो देखिए, अगर पार्टनर्स ने आपस में तय किया है कि उनका जो कैपिटल है, कैपिटल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो उनको फिक्स रखना है, तो वहां पे वो ये मेथड अडॉप्ट करते हैं। कौन सा? फिक्स कैपिटल मेथड। और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग, जहां पे पार्टनर्स आपस में ऐसा कुछ तय नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने अपना कैपिटल फिक्स रखना है। आगे देखते हैं कि हम ये क्यों बना रहे हैं, आपको भी समझ में आएगा जब हम देखेंगे कि किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके सामने फॉर्मेट है फिक्स कैपिटल मेथड का। बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे, फिक्स कैपिटल मेथड पूरा फॉर्मेट आपके सामने है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देंगे। हाँ, ये देखिए, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात कर रहे हैं तो वहां पे दो अकाउंट्स बनते हैं। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट बन रहा है और दूसरा कौन सा बन रहा है? करंट अकाउंट। दो प्रकार के अकाउंट। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे और करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे वो देखते हैं। देखिए, कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल वो ही कैपिटल रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनाएंगे, एक रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा रहेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? केवल और केवल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हमने क्या लिया, ये लिया हमारा ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल। ठीक
ठीक है ना, ओपनिंग कैपिटल को हमने लिखा। ये बात सबको मालूम होगी कि कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ये सबके नॉलेज में होगा। तो ये देखिए आप, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम्स बनेंगे। यहाँ पे हमने 3 लिया हुआ है, एक्स वाई जेड, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स रहे उतने कॉलम बना ले। अब ये हो गया आपका क्या, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद यदि और कैपिटल लेके आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे। क्या लेके आ रहे हैं, कैपिटल। यहाँ पे क्या हम रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और ये एडिशनल कैपिटल जो हम लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया, और जो कैपिटल लेके जा रहे हैं वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड। आपके नॉलेज के लिए फिर से बता दे रहा हूँ कि कैपिटल आपका बढ़ता कैसे है, क्रेडिट करने से बढ़ता है, और डेबिट करने से क्या होता है, कम होता है। तो ये आपका ऑलरेडी कैपिटल था और ये एडिशनल कैपिटल हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। और डेबिट करने से क्या होगा, डेबिट करने से कम होगा। तो ये हमारा कैपिटल विड्रॉल हमने यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा, और अल्टीमेटली जो बैलेंस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे हम हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स रख रहे हैं, उसको हम फ्लक्चुएट होने नहीं दे रहे हैं। फ्लक्चुएट होने नहीं दे रहे हैं का मतलब क्या है, कि करंट अकाउंट आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में अगेन यहाँ पे दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये करंट अकाउंट का बैलेंस अलग रहेगा, कैपिटल का बैलेंस अलग रहेगा। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना, पार्टनर को जो कुछ मिलना है, ठीक है, पार्टनर को जो कुछ मिलना है वो क्रेडिट में आता है ना। मतलब या फिर दूसरी भाषा में मैं बोलूं, हमें पार्टनर को जो कुछ भी देना है, हमें मतलब हम बात कर रहे हैं, मैं फर्म हूं, आप क्या है, फर्म है, ठीक है ना। फर्म जो कुछ पार्टनर को देगी वो कुछ हमें, वो सब हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये देखो, ये हमें सब कुछ देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, तो हमने क्या किया, क्रेडिट किया। हमें कमीशन देना है, हमने क्रेडिट किया। हमें सैलरी देना है, हमने क्रेडिट किया। हमें प्रॉफिट देना है, हमने क्रेडिट किया। तो जो कुछ हमें देना है वो हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, और जो कुछ हमें लेना होगा वो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब इसको आप छोड़ दो, इधर देखिए, ड्रॉइंग्स हमें लेना है, उनसे हमने डेबिट किया है। ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट हमको लेना है, हमने डेबिट किया। अगर हमारा लॉस हुआ है बिजनेस के अंदर तो वो भी हमें पार्टनर से लेना है, तो वो भी हमने क्या किया, डेबिट किया। तो ध्यान रखना, करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, करंट अकाउंट में हम जो हमारा बेसिक कैपिटल है उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। बेसिक कैपिटल जो हमने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करते वक्त हमने लगाया था वो किस में आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं वो भी किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। जो लेके जा रहे हैं वो भी किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। मगर करंट अकाउंट में क्या आएगा, करंट अकाउंट में बाकी सारी चीजें, ठीक है, जो कुछ भी और बचता है जो कि साल के दौरान हमको देना है या उनसे लेना है, हमें जो कुछ भी उनको देना है वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। हमको जो कुछ भी लेना है वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ये 11th का बेसिक कंसेप्ट है, हमें जो कुछ किसी को देना होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, लेना होता है तो डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स को जो कुछ देना है क्रेडिट, जो कुछ लेना है वो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एक बार और समझा दो, तो मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एडिशनल कैपिटल जो भी आएगा फर्म के अंदर, जो कैपिटल पार्टनर लेके आ रहा है, वो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। हम बात कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, जो भी कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया है और जो भी कैपिटल हम विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल क्या है, फिक्स है, इट इज नॉट गोइंग टू फ्लक्चुएट विद दीज स्मॉल थिंग्स लाइक द प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स,
ठीक है ना, रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन, इन सब चीजों से फ्लक्चुएट होने वाला नहीं है। ये स्मॉल फ्लक्चुएशंस के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो जो भी फ्लक्चुएशन होगा वो कहाँ होगा, वो करंट अकाउंट में होगा। बाकी जो हमारा बेसिक कैपिटल है वो क्या होगा, वो फिक्स रहेगा। वो केवल और केवल कब चेंज होगा, जब हम एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं या कैपिटल ही लेके जा रहे हैं। ये बात समझ में आई आपको? इसको हम बोल रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे से इसको आप एक बार खुद से अच्छे से समझें और फिर इसको नोट डाउन करें। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, मगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। तो डेबिट ओपनिंग बैलेंस अगर है, ये डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो इधर आएगा और क्रेडिट है तो इधर आएगा, क्योंकि करंट अकाउंट का दोनों हो सकता है, मगर कैपिटल का क्या होगा, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल या तो है या तो नहीं है, नेगेटिव में कैपिटल बहुत कम जाता है, उसकी संभावना कम रहती है। आप लेके आए 1 लाख रुपए, अब आप बोलो कि 2 लाख रुपए निकालेंगे, नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? चलिए, तो फिर ये हो गया हमारा फिक्स कैपिटल मेथड। अब जब हम आएंगे फ्लक्चुएटिंग में, तो फ्लक्चुएटिंग में क्या करना है, बहुत सिंपल है। फ्लक्चुएटिंग में आपको समझ में आ रहा है कैपिटल इज गोइंग टू फ्लक्चुएट। यहाँ पे कैपिटल क्या है, फिक्स है। कब चेंज होता है, केवल एडिशनल पे या विड्रॉल पे, इसके अलावा चेंज हो रहा है क्या, नहीं। मगर फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग में फ्लक्चुएट होता रहेगा, इन सारी चीजों से फ्लक्चुएट होगा। तो हमको फ्लक्चुएटिंग में कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पे कैपिटल और करेंट को क्या कर दो, जोड़ दो। ये बीच की जो बॉर्डर्स हैं वो अलग कर दो, इनको जोड़ दो। तो जो बनेगा वो होगा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लें क्या, देखिए आपको भी समझ में आ जाएगा। ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम क्या कर रहे हैं, देखो आप, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया, उसके बाद ये एडिशनल कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट, जो कुछ हमें देना है सब यहाँ पे लिख दिया। हम जब फ्लक्चुएटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका डेबिट भी बैलेंस हो सकता है। क्यों डेबिट भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो हम कैपिटल क्या रख रहे थे, फिक्स रख रहे थे। आप उतना ही निकाल सकते हो जितना आपके पास है, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। किसमें, कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में, यहाँ पे आप उससे ज्यादा निकाल सकते हो। तो अगर आपने जरूरत से ज्यादा निकाल दिया तो वो कौन सा बैलेंस कहलाता है, डेबिट बैलेंस कहलाता है। और जो कुछ भी हमको लेना है उनसे वो सब भी आ जाएगा, ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हो गया, और फाइनली ये आपका बैलेंस है। ठीक है, क्लियर है? ये बैलेंस आपका क्रेडिट भी हो सकता है, ये बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर भी लिखा जा सकता है। स्टार का मतलब ही यही है कि क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है ना, ये समझ में आया? हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया। जो ऊपर हमने देखे थे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है, उनको हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने के बाद जो अकाउंट बन रहा है वो है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो अकाउंट बनता है उसका नाम होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वहां पे दो अकाउंट्स बनेंगे, उनका कौन कौन सा नाम है, कैपिटल एंड करेंट। यहाँ पे एक ही अकाउंट बनेगा, इसका नाम क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। एक बार फिर से देखते हैं, फिक्स में क्या होता है, दो अकाउंट्स बनते हैं, कौन कौन से, पहला कैपिटल, दूसरा करेंट। कैपिटल में क्या आता है, कैपिटल में आता है जो हमारा ओपनिंग बैलेंस रहेगा जो कि हमेशा क्रेडिट रहेगा, एडिशनल कैपिटल रहेगा, कैपिटल विड्रॉल रहेगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो हमारा करंट अकाउंट रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें आपका ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा वो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमको जो कुछ भी देना है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, ठीक
ठीक है, प्रॉफिट देना है वो सब क्रेडिट करो, जो कुछ भी लेना है, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लॉस हो गया, ये सब जो कुछ भी लेना है उसको क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, डन है। दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। इसका कोई भी बैलेंस हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्लियर है ये चीज। क्या क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस तो हो गया, इसके अलावा एडिशनल कैपिटल हो गया, उसके बाद सैलरी हो गया, हमें जो अगर देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, फिर हमको जो कुछ भी लेना है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या क्या लेना हो सकता है, जैसे कि कैपिटल विड्रॉल हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, लॉस हो गया, डन है, क्लियर है। अच्छा, ये समझ में आ गया तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने दूसरा जो अकाउंट है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि मैंने बताया, प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लाके हम क्रेडिट में लेके आएंगे। ठीक है, हम प्रॉफिट जो हुआ, आपको मालूम होगा ये जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कब होता है, ये इनकम होता है, ठीक है, और ये आपका एक्सपेंस होता है। तो इफ इनकम साइड इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इधर हम प्रॉफिट लिखते हैं बैलेंस में, फिर ये ही प्रॉफिट किधर आ जाएगा, ये ही प्रॉफिट हम लेके आ गए यहाँ पे। क्यों लेके आए, क्योंकि इसका बंटवारा करना है, तो बंटवारा करने से पहले सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, किसको क्या क्या देना है, क्या क्या बात हुई है, बात नहीं हुई है तो क्या होगा, ये भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमको पार्टनर से लेना होता है। यदि एग्रीमेंट में लिखा है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा तो लिया जाएगा, तो देखा जाए तो वो भी तो फर्म के लिए इनकम हुआ ना, तो प्रॉफिट के साथ साथ हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखेंगे, तो वो भी क्या हुआ, हमारी इनकम हुई, तो उसका फिर साथ में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, प्रॉफिट लेके आए, ये भी हमारा क्या है, प्रॉफिट ही है फर्म के लिए, तो इसको भी यहाँ पे लेके आए। अब इन दोनों का सम किया और फिर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ANP। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि पार्टनर्स ने आपस में तय किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो फिर हम पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। प्रॉफिट बांटने से पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। उसके बाद यदि सैलरी देना है तो वो दे दिया, कमीशन देना है तो दे दिया, रिजर्व बनाना है तो वो भी बना दिया। ये सब देने के बाद, ये सब देते कहाँ से हैं, ये प्रॉफिट से देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, ये जो आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर, कमीशन, ये तभी दिया जाएगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना तो हम सैलरी देंगे, ना तो हम कमीशन देने वाले हैं। ये सब कहाँ से दिया जाएगा, रिजर्व भी नहीं बनाया जाएगा यदि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। ये तभी दिया जाएगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तभी हम इसको बोल रहे हैं अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब ही डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन कहां से होगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं। आप लोग मान लीजिए तीन दोस्त हैं और आप तीन दोस्तों में के पास दो एप्पल हैं और ये दो एप्पल आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आप बता सकते हो कि देखो इतना 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 सबको मिलेगा, मगर यदि एप्पल है ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, तो ये जो आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और कमीशन वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, ये सब अप्रोप्रिएशंस है। अप्रोप्रिएशन मींस विच आर गिवेन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, जो कि प्रॉफिट होने पे ही दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोप्रिएशन।
अप्रोप्रिएशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो अप्रोप्रिएशन इक्वल टू गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। और जो हमको देना ही देना है, प्रॉफिट हो या ना हो, उसको हम बोलते हैं चार्ज। जो देना ही देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट ना, विच इज गिवन इररिस्पेक्टिव दैट, जैसे कि हमें सैलरी टू मैनेजर है, वो तो देना ही देना है। आप ये थोड़ी बोलोगे कि प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए हम आपको सैलरी नहीं देंगे, नहीं। तो विच इज गिवन इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट्स इज कॉल्ड चार्ज, और जो प्रॉफिट्स में से ही देना है उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। तो ये सारे अप्रोप्रिएशंस हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देंगे? जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। सैलरी अगर आपस में एग्रीमेंट है कि देनी है तो कब देंगे? जब प्रॉफिट होगा। अगर आपस में तय है कि कमीशन देना है देंगे, मगर प्रॉफिट होगा तभी, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। आई बात समझ में? रिजर्व तभी बनाएंगे जब प्रॉफिट होगा, तो इसलिए बोला गया है रिजर्व क्या है, रिजर्व अप्रोप्रिएशन है। और प्रोविजन आपने पढ़ा होगा, अगर प्रोविजन पढ़ा होगा तो प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन चार्ज होता है, चार्ज मतलब जो दिया ही जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये सब देने के बाद देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, देने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? यहाँ पे आप देख रहे हो एस कैपिटल, एस करेंट, बीस कैपिटल, बीस करेंट। ये समझ में आई बात आपको अच्छे से? पक्का? अब यहाँ पे एस कैपिटल और एस करेंट क्या है? तो देखो, डिपेंड करता है, कैपिटल अकाउंट किसको बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब इसका साफ है कि यहाँ पे जो हमारा अकाउंट है वो क्या है, बता सकते हो? यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में जाता है, और फिक्स में कहाँ जाता है? फिक्स में करेंट में जाता है, ठीक है? ठीक है, ये अभी अपन ने पढ़ा है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। यहाँ पे देखो, ये स्टार लगा हुआ है, एक स्टार मतलब फ्लक्चुएटिंग, दो स्टार मतलब फिक्स कैपिटल जाता है। बात समझ में आई अच्छे से? क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने तीन चीजें पढ़ी हैं, एक हमने देखा फिक्स कैपिटल, दूसरा हमने देखा फ्लक्चुएटिंग, और तीसरा देखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो कैपिटल दो प्रकार से बनता है, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में क्या करते हैं? दो अकाउंट्स बनाते हैं, कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं? जो कैपिटल हमारा था इनिशियली, ठीक है, जो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है वो, उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं वो, जो कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं वो, जो एडिशनल लेके आएंगे वो क्रेडिट करेंगे, और जो विड्रॉ कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये हो गया हमारा फिक्स कैपिटल में पहला, दैट इज कैपिटल अकाउंट। दूसरा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो भी हमारे साल के दौरान, जो हमको साल के दौरान या दी एंड ऑफ ईयर जो हमको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, प्रॉफिट देना है, वो हम क्रेडिट करेंगे। और जो कुछ हमको लेना है, ड्राइंग्स लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है, ठीक है, ये सब क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे, ठीक है। लॉस हो गया उसको भी हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। फ्लक्चुएटिंग में क्या हो गया? फ्लक्चुएटिंग में दोनों को मर्ज कर दो, इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लक्चुएटिंग। और फ्लक्चुएटिंग में जो अकाउंट बनता है उसका नाम क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसमें क्या आएगा? हमारा जो ओरिजिनली जो हमारा इनिशियल कैपिटल था वो आ जाएगा, वो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, वो लिख दिया। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल है, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, रेमुनरेशन है, और प्रॉफिट है, वो क्रेडिट कर दिया, और जो कुछ लेना है वो डेबिट करेंगे। कैपिटल विड्रॉन हो गया, उसके अलावा ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, और लॉस हो गया, ठीक है।
उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जितना भी प्रॉफिट हुआ है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले आके और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख देते हैं। उसके बाद और क्या लिखेंगे, उसके साथ एक और इनकम होती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉन, उसको भी हमने क्रेडिट में लिखा। अब ये जो भी पूरा प्रॉफिट हुआ इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, उसके बाद और कुछ भी यदि देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, रिजर्व बनाना है, वो सब बना लिया। उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, तो ये बेसिक ये आपको बनना चाहिए कि किस तरीके का अकाउंट बनते हैं। इस पे हम क्वेश्चन सभी करेंगे, मगर फिलहाल इतना समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको एक बार आप खुद से बिना देखे ये अकाउंट्स बनाने की आप कोशिश करें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफी है।